हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, और अपने स्टूडेंट लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसे कमाना चाहते होंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ के अर्ली डेज में, स्टार्टिंग डेज में पैसे कमाना चाहता था, और मैं आज कमा रहा हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेस बताऊंगा, 10 ऐसी चीज जिसको करके, जिसमें से कोई भी अगर आप एक शिद्दत से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करते हो, तो आप महीने के आराम से 20-25 हज़ार कमा लोगे। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें मैं करके पैसे कमाता हूं, और मैं इतना कमा लेता हूं कि अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने रहने का खर्चा भी ठीक ठाक से उठा लेता हूं अभी से ही। ओके, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। आज के वीडियो में आपको 10 जो भी ऐसे सोर्सेज बताने वाला हूं, 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, पार्ट टाइम जॉब्स या कुछ भी स्किल, कुछ भी बोल लो, जो मैंने खुद से रिसर्च करा है, इंटरनेट पर देखा है, यूट्यूब वीडियोज भी देखे हैं, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, और उनके तहत मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस भी, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद करी है, उसके तहत मैंने खुद पैसे कमाए हैं। तो वो क्या है, वो एक एक करके सुनो, बट प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मत स्किप करना। सबसे पहली नंबर वन जो चीज है वो है इंस्टाग्राम पेज, और मैं ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। इंस्टाग्राम पेज, वो कैसे, इंस्टाग्राम पेज से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। देखो, 2021, 22, 23, 24 आने वाले टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब की ना बूम होने वाली है बहुत ज्यादा। ये ऑलरेडी यहां से बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं आपको कि आप मिलियंस ऑफ आपको फॉलोअर या सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं, आप कम में भी पैसे कमा सकते हो। आप मेरी चैनल अभी देख रहे हो, मेरे पास कितने सब्सक्राइबर, 20,000, मिलियन तो नहीं है, बट स्टिल आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। वैसे ही आप इंस्टाग्राम पेज से भी कमा सकते हो। आपको एक पेज क्रिएट करना है इंस्टाग्राम पे, और उस पेज को आपको ग्रो करना है। ग्रो किस तरीके से करना है, उस पेज में आपको अच्छे कंटेंट डालने हैं, और एक तरीके के कंटेंट डालने हैं। आप चाहे वो मीम्स डाल सकते हो, चाहे वो आप कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, या किसी फैन पेज तरीके की कोई भी चीजें बना सकते हो, या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपकी इंस्टाग्राम पेज बड़ी होती है, लेट्स सपोज आपकी एक मीम पेज है, देखो आप मीम से आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे लोग कमा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं मीम पेज खोल के थोड़ा सा ग्रो करो, अच्छी अच्छी मीम्स डालो, थोड़ा सा शाउट आउट लो, थोड़े लोगों को प्रमोशन करो, ये करो वो करो, थोड़ा सा पेज को जैसे तैसे ग्रो कर लो। जैसे ही आपके 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर, सॉरी फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बढ़ने स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपको आएंगे मैसेजेस कि आप मेरे पेज पे प्रमोट कर दो, ठीक है ना, आप मेरे पेज पे ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, आप मेरे पेज में ये प्रोडक्ट सेल कर दो, लोगों को दे दो, शाउट आउट दे दो, वगैरह वगैरह करके। इतने में आपको इतना पैसा देंगे, एक स्टोरी का लगाने का आपका इतना पैसा देंगे, एक पोस्ट करने का इतना। तो आप दूसरे को मदद कर सकते हो ग्रो कराने में, जिसके लिए आप चार्जेस ले सकते हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग करो 100-200 से, फिर 400-500 से, फिर 1000-1200, फिर 5-6 हज़ार, फिर 10,000-20,000। इतने पैसे में धीरे 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 करके, जैसे जैसे आपकी पेज बड़ी होगी, आपकी इनकम और ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तो इंस्टाग्राम पेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के जमाने में। ध्यान रखना, किसी भी निश में इंस्टाग्राम पेज खोलो, कोई भी कंटेंट हो, बट वो कंटेंट सिमिलर होना चाहिए। तो दूसरी जो चीज है वो है कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि मुझे तो पता है टीचिंग, तो भाई सबको पता है, मैं आपको टीचिंग करने बोल रहा हूँ, बट ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। 2021, 22, 23, 24 आने वाले जितने भी इस ईयर्स है, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन की जो वैल्यू है वो ऑफलाइन से ज़्यादा होंगी, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज के टाइम पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ऑनलाइन एक साथ बहुत सारे लोग को पढ़ा सकते हो। होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशंस देते हो लोगों को, ऑफलाइन टीचिंग करते हो, तो वहाँ पे आप एक बार में शायद एक घर में जाके पढ़ा सकते हो, जिसके मान लो एक घर का आप 500-1000 रुपए चार्ज करोगे, लेकिन आप ऑनलाइन में वही अमाउंट में बहुत सारे बच्चों को ऐड कर सकते हो, बहुत सारी। कोई भी ट्यूशन दे सकते हो आप, किसी भी क्लासरूम में, आप गूगल मीट पे दे सकते हो, जूम पे दे सकते हो, बट आपके अंदर वो पढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, जिसके बाद आप वही सेम तरीके से टीच करके बहुत 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 पैसे कमा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये ऑफलाइन से ज्यादा प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी। ओके, थर्ड जो चीज़ है जिससे आप पैसे कमा सकते हो वो है एक YouTube चैनल। आपको पता ही है मेरा चैनल जैसे है, तो आप अपने YouTube चैनल जिस तरीके से आप अपने Instagram पेज को ग्रो करोगे, उस तरीके से YouTube चैनल को भी ग्रो करो, और ब्रांड्स एंड कोलैबोरेशन आपके ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। और YouTube की सबसे खास बात क्या होती है कि YouTube खुद भी पैसा देता है, Instagram खुद पैसा नहीं देता है। Instagram आप ब्रांड से पैसे कमा सकते हो, लेकिन YouTube में आप खुद, YouTube रेवेन्यू भी आएगी आपकी, साथ ही साथ YouTube के जितने व्यूज़ आएंगे उसमें भी पैसे मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपके जो ब्रांड्स होंगे ना भाई, वो भी आपको कॉन्टैक्ट करके पैसे देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट हो सकता है YouTube से। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कितना ज्यादा पैसा अभी तक कमा चुका हूं YouTube से, सारी चीजें। आप चाहो तो मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हो, माय YouTube इनकम रिवील्ड वाली, वो मिल जाएगी आपको चैनल पर, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। मैंने भी बहुत छोटे सिरे से स्टार्ट करी थी कॉलेज लाइफ में, और मैं आज भी कॉलेज में हूं, मैं कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ अभी भी, बट स्टिल आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और आगे धीरे धीरे करके ये और इंक्रीज करेगी। ओके, अब जो चौथा चीज है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। भाई, नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हो किसी बड़े कंपनी के
लिए आप नीचे उसकी इंटरमीडिएट बन सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स को सेल करने में मदद करा सकते हो उनकी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट प्लीज एक बात ध्यान रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे MLM कंपनी है जो आपको एक का डबल करके देगी, वो वाली चीजें मत करना। फ्री में ज्वाइन वॉइन फिर पैसे मांगना स्टार्ट कर देंगे, काफी सारी उल्टी सीधे चीजें भी होती है नेटवर्क मार्केटिंग MLM में। बट अगर आपने एक सही कंपनी ज्वाइन करी है और आप अच्छे तरीके से इस चीज को करते हो तो ट्रस्ट मी, ये आपका स्टूडेंट लाइफ नहीं आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है, इसमें इतनी पोटेंशियल है। बस आपको लोग और कंपनी सही तरीके से चुननी है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर लोगे, वो मुझे पता है, भरोसा है, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज़ है वो मैंने चूज करा है, हाँ मैंने खुद से ये क्रिएट करा है आप लोगों के लिए कि लर्न स्किल एंड देन सेल देम। ठीक है, मतलब कि आपको कोई स्किल सीखनी है, पांचवें नंबर में जो ध्यान से सुनो एकदम, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सारी होती है, इसलिए बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इंटरनेट से पढ़ के आया और आपको बक दिया, नहीं, ये मैंने खुद से ऐड करा इस चीज को कि आप कोई भी स्किल को सीखो और उसको बेच डालो। बेचना कहाँ है आपको, लेट्स सपोज पहले से जो स्किल कौन सी होगी आपकी, ठीक है ना, नॉर्मल सबसे कॉमन चीज, तो स्किल आपको कोई सी भी सीखनी है ऐसी जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। ऐसा स्किल मत सीखो जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसा स्किल सीखो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रही है, तभी आप उस कला को सीख पाओगे। लेट्स सपोज आपको एक लैंग्वेज सीखना पसंद है तो एक लैंग्वेज सीख लो, वो भी एक स्किल होती है। आप जैसे आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हो, जैसे जावा, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वाली चीजें जो होती है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, जो भी चीजें होती है फलाना, जो स्किल के कैटेगरी में आती है वो सीखो, और सीखने के बाद 5-6-7-8 महीने उसमें देने के बाद आप उस के बल पे आप जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो दूसरे लोगों को। वहाँ वो आप कैसे मिलेगा, आप कहाँ सेल करोगे, भैया आपने सीख तो लिया बट सेल कहाँ करना है, आपको सेल करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वो भी घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि fiverr.com, wix.com या फिर upwork.com, ये ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ना जहाँ पे आप अपने कला को, टैलेंट को बेच सकते हो, अपनी बिड लगा सकते हो, लोग आएंगे, क्लाइंट आपके पास आएंगे, अपना काम देंगे और आपको बोलेंगे, लेट्स सपोज आपने कोई लैंग्वेज सीखी है तो कोई क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि भैया ये इस चीज़ को आप ट्रांसलेट करके दो अपनी लैंग्वेज में जो आपने सीखी, आप उस चीज का पैसा कमा सकते हो, उस चीज का पैसा उनसे ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप सीधा नॉर्मली नेट पे सर्च करो, YouTube पे सर्च करो कि आपको कैसे पैसे इस तरीके से आप कमा सकते हो, कैसे fiverr.com काम करती है, upwork.com काम करती है, आपको खुद पता लग जाएगा फ्रीलांसिंग बेसिकली कैसे काम करती है। ओके, उसके बाद जो चीज आती है वो आती है आपकी मेक अ कोर्स एंड देन सेल देम ओवर इंटरनेट और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आपको कोई भी एक मतलब कोर्स बनाना है, कोर्स, ठीक है, ये चीज से मैंने खुद पैसे कमाए, कैसे कमाए मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी फलाना कोर्स बना लो, ठीक है, लेट्स सपोज आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, IITs में हो और आपने IIT क्रैक करा है, तो आप नॉर्मली कोई भी बस JEE एग्जाम के इस सब्जेक्ट, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट को भी टारगेट करोगे ना कि JEE में मैं आपकी JEE की जो एग्जाम होती है, JEE मेंस और एडवांस, उसकी मैं आपकी फिजिक्स का क्लास दूंगा और फिजिक्स का कोर्स लेके आया हूं, और उस कोर्स को आप अगर सेल करना स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब YouTube पे और Instagram पे, तो आपको उससे बहुत पैसे अर्न होंगे। ये चीज़ मैंने करा था, मैंने JEE एग्जाम के लिए करा था ये चीज़। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में मिलकर, वो बात की बात है, पुरानी बात है, बट चीज से भी मैंने पैसे कमाए थे JEE एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा के, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्यूचर में मुझे अगर इसमें कुछ और लगा तो मैं फ्यूचर में इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा फॉर श्योर, मैं आपको बता दूं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी कोर्स बनाओ और उस कोर्स को सेल करो। आजकल लोग तो YouTube की कोर्स सेल कर दी है खुद YouTube में आके, तो मैं क्या ही बोलूं, तो समझ रहे हो ना ये चीज कितना ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग हम सब, हमें से बहुत लोग को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि आप मेरे खुद के वीडियोज में ना, काफी सारे पुराने वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक आपने, मैंने इसमें खुद से पैसे कमाए, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैंने YouTube से भी पैसे कमाए हैं, Instagram से भी पैसे कमाए हैं, कोर्स सेल करके भी पैसे कमाए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमाए हैं, तो ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा आपके सामने, मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि मैंने खुद कमाए हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नहीं करना आपको, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई भी पेज बड़ी है, आपको लोग जानते हैं, आपके पास लोगों के कॉन्टैक्ट है, तो आप सिर्फ एक Amazon की कोई प्रोडक्ट को उठा के, Amazon पे एक एफिलिएटर बन के उनका कोई प्रोडक्ट का लिंक उठा के वो प्रोडक्ट किसी और को बेच के बीच का कमीशन उठा सकते हो, तो इट्स अ रियली 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 ग्रेट थिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बूम करने वाला है अगेन, और एफिलिएट मार्केटिंग से लोग इतना पैसा कमा लेते हैं ना जिंदगी में कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ये पैसिव इनकम सोर्स होती है जहां पे आपको बीच में रहना है, आराम से इधर से उधर थोड़ा सा लिंक वगैरह शेयर करना है, बस लोग खरीदते जाए, आपको पैसा आते जाए, खरीदते जाए, आपको पैसा आते रहे जेब में, दैट्स इट। हो गया। ओके, आगे जो है वो है आपकी स्मॉल स्टार्टअप। आपको स्टार्टअप करना है, छोटी छोटी स्टार्टअप करने हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। आज के टाइम पे आपने MBA चाय वाला का नाम सुना है ना, MBA चाय वाला, मैं आपको कॉपी करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी आइडिया दे रहा हूँ। छोटा छोटा आपको स्टार्टअप करना है जो कि बहुत ही कम बजट में हो, जिसकी कॉस्टिंग 50-60 हज़ार के अंदर हो, हर बंदा अगर 10-10 हज़ार मिलकर भी लगाए ना, 5-6 बंदे, तो आराम से वो स्टार्टअप कर सकते हो आप एकदम कॉलेज, और कॉलेज लाइफ में ना ये एक तगड़ी चीज़ होती है। अगर आप ऐसा बोलोगे ना एक कंपनी में जाके कि आपने किसी कंपनी में एज अ इंटर्नशिप
इंटर्नशिप काम करा है, तो उससे ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी अगर आप बोलोगे कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में एक स्टार्टअप करा था दोस्तों के साथ मिलकर। एंड ट्रस्ट मी, वो आपके रिज्यूमे सीवी में बहुत तगड़ी इंप्रेशन मारेगी। और सिर्फ रिज्यूमे सीवी तक नहीं सीमित है, आप उस स्टार्टअप को बड़ा करके भाई करोड़ों अरबों की फंडिंग उठा के बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हो। जीता जाता एग्जाम्पल है, हर कोई जानता है एमबीए चाय वाला को, प्रोफुल बिल्लोर है, कौन नहीं जानता भाई उसे, मैं खुद भी फैन हूं, तो कर सकते हो। एंड फ्यूचर में मैं भी इसमें करने वाला हूं, पैर तो मारूंगा मैं इस चीज में फॉर श्योर, मैं आपको ये बात कह देता हूं आज। तो ये चीज मैं खुद भी किया भी हूं पीछे और आगे करने भी वाला हूं, ये जो जो भी चीज आपको बता रहा हूं। ओके, आगे जो है वो है इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग बोले तो अभी से आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन वगैरह, ये वो, कुछ भी इन्वेस्टिंग पहले सीखो, शेयर मार्केट सीखो। शेयर मार्केट से आप एक दिन में ना बहुत पैसा कमा सकते हो, हजारों, 5,000, 10,000, 20,000 कमा सकते हो। बट आपको शेयर मार्केट आनी चाहिए, वहां पे एक इंट्राडे कर का एक ऑप्शन होती है, वहां पे आप एक दिन के अंदर बहुत पैसे भी कमा सकते हो, या फिर शेयर में पैसे छोड़ के आप लॉन्ग टर्म गेम भी खेल सकते हो। अभी थोड़े टाइम पहले क्रिप्टो करेंसीज भी वही चीजें हो रही थी, वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे थे एक एक दिन में। तो आपको पहले मार्केट को सीखना है, ऐसे ही नहीं कूदना है, ये थोड़ा सा रिस्की मार्केट होता है। तो अपने पैसे को लगाने से पहले थोड़ा सीख जाओ कि पैसे को लगाना किधर है, किस तरीके से लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर किसी अदर चीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, जो सबसे मतलब कॉमन चीज है, जो कि हमेशा से ही हर कोई बोलता है, वो है पार्ट टाइम जॉब। हाँ जी, पार्ट टाइम जॉब आपको करनी है, और पार्ट टाइम जॉब आप कहीं भी कर सकते हो, जहां भी आपकी इच्छा हो जाए। वो कॉल सेंटर हो सकती है, किसी दुकान पे काम करना हो सकता है, किसी मैकडी या फिर पिज्जा हट। और ये शर्म आने वाली बात नहीं है भाई, कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ना किए हैं एक टाइम पे ना, बहुत ऐसे मतलब क्या बोलूं मैं, किसी शॉप का नाम नहीं लूंगा, बट छोटे छोटे दुकान पे भी काम करा है उन्हें। मैं दुकान पे काम करने आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार दिमाग लगाओ कि आप पार्ट टाइम जॉब कहां से कर सकते हो, जिसमें आप 5-10-20,000 कमा लो अपने स्टूडेंट लाइफ में, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ओके, तो यही थे 10 के 10 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल चीजें जिससे करके आप पैसे कमा सकते हो। मैं कोई भी इंटरनेट से उठा के नहीं चेप रहा हूं आपको कि आप ये चीज कर दो, पैसे कमा लो, लाखों कमा लो, हजारों कमा लो, करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं है भाई। ये चीजें मैंने खुद करी है, उसके बाद आपको बोल रहा हूं। तो आप भी पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मैं भी पैसे कमाता हूं। और आप अगर पैसे कमाते हो और आपको उस चीज से खुशी मिलती है, या इस वीडियो को देख के खुशी मिली है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक पड़े हैं, तो उस पर जाओ, जरा प्यार दिखाओ भाई को, क्योंकि आई लव यू गाइस। टाटा, बाय बाय।